हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नुपुर सिंह व्लॉग। तो अभी मैं हूँ इस वक्त साक्षी में। हम जा रहे हैं होटल द क्रूज क्योंकि आज है देव का बर्थडे। देव मेरे पिछले प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि देव कौन है, तो ये रहे देव जो अपने सकल छुपाते हुए हैं क्योंकि उन्हें शर्म आ रही है फिलहाल। लेकिन ये आज हमें ट्रीट देने वाले हैं जमशेदपुर के एक होटल जिसका नाम है द क्रूज, जो कि आदिपुर में है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि वो होटल कैसा है। जो जमशेदपुर से है वो तो जानते ही होंगे ये रास्ता, और ये रहा रीगल स्क्वायर। जमशेदपुर के लोगों, आप तो ये रास्ता जानते ही होंगे, ये रोड जानते ही होंगे जो साक्षी और जमशेदपुर को कनेक्ट करता है। हम जा रहे हैं आदित्यपुर, तो मैं बिष्टुपुर होते हुए ही जाने वाली हूँ। और जिस होटल की मैं बात कर रही हूँ वो एकदम ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट है, अभी वो ओपन ही हुआ है, जस्ट अभी 1 मंथ हुए हैं उसकी ओपनिंग को। और ये होटल अपने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो आप आगे जाके देखोगे ही। तो आइए चलते हैं। खाली करने के लिए रेडी हो? आज हालत खराब होने वाला है। आज हम सब देव के हालत खराब करने वाले हैं। आज देव को खर्चा करने का मौका मिला है, नहीं चाहता आज हर साल मिलता है, लेकिन आज स्पेशल लूटा जाएगा देव को। आज देव को लूट ही लिया जाए, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। तो ऐसा मौका छोड़ने वाला बेवकूफ होता है, तो वो हम नहीं छोड़ने वाले। तो ये चलते हैं। ब्रिज जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पार ही हो चुका है। बस अब हमारा होटल आने ही वाला है। सो गाइस, ये है टाटा कांड्रा रोड। अभी होटल लोवेंता पार होने वाला है, आप सामने देख सकते हैं। होटल लोवेंता, इसका रिव्यू भी मैंने दिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। और वो सामने रहा क्रूज, जस्ट होटल लोवेंता के बगल में है द क्रूज, जहाँ मैं आपको अभी लेके जा रही हूँ। पेट्रोल पंप के बाद उसकी एंट्री होती है। पहुंचने वाले हैं द क्रूज, तो चलिए देखते हैं वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ की एम्बियंस कैसी है, और खर्च तो देव का होने वाला है, तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो खाने से मतलब है कि नहीं श्वेता? सो गाइस, इंतजार की घड़ियां खत्म होती है। टिक टिक बूम, ये रहा वो होटल, आप देख सकते हैं इसका नाम है द क्रूज। द क्रूज नाम है तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक शिप थीम होटल है जो आप सामने देख सकते हो। इसकी शेप, इसका आकृति, ढांचा जो आप बोल लो, ये किस तरह का है। ये अभी ओपन जस्ट 1 मंथ हुआ है इसे ओपन हुए हुए, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के काम अभी चल ही रहा है, ये पूरी तरह से रेडी नहीं है।
सो गाइस, ये है मेन एंट्रेंस द क्रूज का और आप सामने रिसेप्शन देख सकते हैं और किस तरह से हमें वेलकम किया जा रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटैलिटी बहुत बेस्ट लगी मुझे और आप चलिए मेरे साथ, हम जा रहे हैं द क्रूज होटल के रेस्टोरेंट के अंदर जो कि सेकंड फ्लोर पे है। और गाइस, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, मेरा तो ये फेवरेट होटल हो गया है। अब यहाँ की एम्बियंस, इंटीरियर, मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब हर चीज़ें अभी बेस्ट लग रही है मुझे। और हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे है रेस्टोरेंट, हम अभी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ काफी ज्यादा खूबसूरत है। रेस्टोरेंट के अंदर आ चुकी हूँ, ये है द क्रूज का रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन, नीट एंड क्लीन। मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, आप जो देख ही रहे हो ये, मतलब कैसा है, मतलब बहुत खूबसूरत है, मैं स्पीचलेस हूँ, मैं क्या बोलूँ। इस रेस्टोरेंट में आपको अंदर भी सिटिंग दी गई है, बाहर भी सिटिंग दी गई है, लेकिन ये समर सीज़न तो मैं अंदर ही सिटिंग लेने वाली हूँ, मैं बाहर सिटिंग नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी है, आप समझ ही सकते हो जब शेखपुर की गर्मी चल रहा है। सब यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट श्वेता का और रिया का। बेचारा बर्थडे बॉय वेट कर रहे हैं। कैंडल बनाते हुए क्योंकि यहाँ चल रहा है। और यहाँ पे योशी का हाथ कटी हुई लगती हुई के 3 बज रहे हैं, तो हम स्टार्टर ऑर्डर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट लंच करने वाले हैं। तो आप स्टार्ट मैंने कोल्ड कॉफ़ी से किया है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। तो गाइस, ये आई मेरी हमेशा वाली कोल्ड कॉफ़ी जो हर रेस्टोरेंट में आपको, हर रेस्टोरेंट हर होटल में दिखती होगी। ये है यहाँ की द क्रूज होटल की कोल्ड कॉफ़ी। गाइस, आप सामने देख सकते हैं मटन रोगन जोश की ग्रेवी है, मटन मेरे प्लेट में सर्व हो चुका है और सामने आप चिकन लबाबदार देख सकते हो। दोनों ही काफी डिलीशियस यम लग रही है। अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी ये कैसी है, देखने से अच्छी तो लग रही है, अब खाने में कैसी है वो चेक कर लेती हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं इसमें है चिकन लबाबदार,
मेरी प्लेट में है इस वक्त मटर रोगन जूस और मैंने बटर नान लिया है और मटर देख सकते हैं मटन रोन व्यू सूप रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दो उंगलियों से टूट रहा है ये। सो गाइस मैं अब मटन टेस्ट करने वाली हूँ। देव ने कहा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये मेरा फर्स्ट बाइट। काफ़ी तीखा है, देव की बात सच थी। सो गाइस जैसा कि मैंने कहा मटन रोगन जूस काफ़ी ज़्यादा तीखा है, स्ट्रॉन्ग है। मटन रोगन जूस तो तीखा ही होता है तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस यम लगा। ग्रेवी काफ़ी थिक है, बैलेंसिंग फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा है। आई होप आप भी यहाँ आकर के मटन रोगन जूस ज़रूर ट्राई करोगे, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं ये है चिकन लवाबदार, मैंने इसे भी टेस्ट करके देखा कि ये कैसा है। ये भी बेस्ट चिकन लवाबदार है अभी तक का, तो आप यहाँ आके ज़रूर ट्राई करो इसे। सो गाइस हमने लंच कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ की माउथ फ्रेशनर भी काफी टेस्टी थी। आप सोच सकते हो मतलब हर चीज ही यहाँ की बेस्ट है। आप जरूर यहाँ आओ और खुद से एक्सपीरियंस लो द क्रूज का। और ये रहा मेरा बिल, तो आप ये भी देख लो, ये बजट फ्रेंडली भी है गाइस, कोई दिक्कत। ये था होटल क्रूज। आई होप आपने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और आपको ये होटल ज़रूर पसंद आया होगा, आप यहाँ ज़रूर आओगे। और आज के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.